चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम बेस। आज हम आपके लिए क्या हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन, जिसमें आपको इस वीडियो में कुछ वैज्ञानिक नाम है जो जानवर का है वो आपको याद रखना है, और इसमें और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम, ठीक है, कंपिटेटिव एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हाँ, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए बताइए, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथ्रालियो। क्या नाम है? पैंथ्रालियो। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथ्रालियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्या बोले? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथ्रा टाइग्रिस। क्या नाम है? पैंथ्रा टाइग्रिस। टाइगर मतलब बाघ होता है, तो इसको वैज्ञानिक नाम क्या था? पैंथ्रा टाइग्रिस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे साथ 2 से 3 बार बोलते हैं, तो जैसे जैसे बोलेंगे वैसे ऐसे हमारे साथ बोलिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो में जो क्वेश्चन है वो याद नहीं है, वो हमारे साथ 2 से 3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चीता का वैज्ञानिक नाम है पैंथ्रा पार्डुस। पार्डुस क्या नाम है? पैंथ्रा पार्डुस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा टेलीग्राम चैनल कौन सा है? सबसे अच्छा टेलीग्राम चैनल कौन है? तो इसका आंसर है टारगेट अड्डा। क्या है? टारगेट अड्डा, अंडा नहीं है, टारगेट अड्डा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है। भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है? चलिए बताइए क्या होता है। तो इसका है वैज्ञानिक नाम उसूर्स मैटिटिमस कार्निवेरा। क्या है? उसूर्स मैटिटिमस कार्निवेरा वैज्ञानिक नाम है भालू का। क्या नाम है? फिर से बोलिए, उसूर्स मैटिटिमस कार्निवेरा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए बताइए खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये खरगोश का। ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम में पूछा गया था रेलवे का, ठीक है। तो इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑक्टोलेजस कुनिकुलस। क्या बताएं? ऑक्टोलेजस कुनिकुलस। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑक्टोलेजस कुनिकुलस, ठीक है। तो चलिए इसका याद रखिएगा नाम, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरन का वैज्ञानिक नाम क्या है। हिरन का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ हिरन, तो इसको बोलते हैं सर्वस एलाफस। क्या बोलते हैं? सर्वस एलाफस, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हिरन का और खरगोश का पहले प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो ठीक है। तो चलते हैं हिरन का क्या है? सर्वस एलाफस। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए बताइए ऊँट का क्या होता है। तो ऐसे ही पकड़ लें क्वेश्चन सर, ऊँट का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैमल। तो इसका है कैमल्स डोमेडेरियस। क्या नाम है? कैमल्स डोमेडेरियस। क्या नाम है? कैमल्स डोमेडेरियस। तो चलिए इसको याद रखिएगा कैमल का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का समुद्र मार्ग की खोज किसने की। चलिए बताइए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत के समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी। तो वो किया था कौन? वास्को डिगामा। किसने किया था? वास्को डिगामा ने। चलिए नेक्स्ट है सिकंदर कहाँ का शासक था। चलिए बताइए सिकंदर कहाँ का शासक था। तो सिकंदर था मकदुनिया का शासक था। कहाँ का था? मकदुनिया का। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदुनिया, ठीक है। तो अगर देखिए वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और टाइपिंग करने में, तो इसलिए थोड़ा लाइक ज़रूर किया कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो चलिए बताइए, तो ये है आपका प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किसका है? गदर का क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? प्रथम युद्ध युद्ध जो हुआ था उसका शुरू, उसी के कारण क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, यही कारण है, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का नौवां मंडल एक ही को समर्पित स्तुति का संग्रह है, बताइए किसको, किस एक को? तो है आपका सोम को। ऋग्वेद का नौवां मंडल किस एक को ही समर्पित स्तुति को का संग्रह है? किसे है? सोम को, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन ही सर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? चलिए बताइए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछा ही क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहकर पुकारा गया था, ठीक है। तो वो है समुद्रगुप्त को, किसे कहकर पुकारा गया था? समुद्रगुप्त को कहकर पुकारा गया था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन धर्म के रूप में प्रतिपादित चार क्रांतिवीर व्रतों में कौन सा पाँचवा व्रत जोड़ा? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। महावीर ने जन्म, चलिए बताइए इसका है, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित चार महाव्रतों में कौन सा पांचवा व्रत जोड़ा? पांचवा व्रत कौन सा जोड़ा जैन धर्म में? तो चलिए बताइए इसका है ब्रह्मचार्य। क्या जोड़ा गया था? ब्रह्मचार्य। क्या जोड़ा गया? चार, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसका क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ? चलिए बताइए, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए तो वीडियो को समाप्त करते हैं, और हाँ, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर किया कीजिए। और हाँ, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में कुछ भी त्रुटि हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब भी आगे वीडियो आए उसमें आपको त्रुटि ना मिले। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।